बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली सत्येंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में थाना कोतवाली में एक अपराध क्रमांक 658 2021 धारा 457 380 ताई 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में अभियुक्त दिन्नू उर्फ समीर पिता राजा वंशकार निवासी कैदो की तलैया दमोई ने जिला अस्पताल दमोई के अंदर घुसकर ऑक्सीजन की तांबे की पाइपलाइन कीमत लगभग 40,000 रुपये की राति में तोड़कर चोरी कर अतुल पिता अशोक जैन निवासी नया बाजार नंबर 1 दमोई को कम दामों में बेचना बताए जाने पर अतुल जैन से चोरी के तांबे के पाइप को विधिवत जब्त कर धारा 411 ताही के अंतर्गत सह अभियुक्त होने से दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय JR पर पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में ASI राजेंद्र, आरक्षक सूर्यकांत, नरेंद्र, आसिफ, आकाश एवं राकेश दुबे का योगदान रहा। घटना के संबंध में थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत का क्या कहना है, सुनते हैं। ये जो ऑक्सीजन पाइप चोरी हुए थे इससे इसके रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था और इसमें 457-380 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। दौरान विवेचना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दिन्नू वंशकार करके एक नाबालिग लड़का है जो ये बाइक लिए हुए दिखा है, उससे पुलिस ने घेराबंदी करके जब उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा जिला चिकित्सालय से पाइप चोरी किए गए थे, क्योंकि काफ़ी पाइप चोरी हुए थे। जब उससे पूछा गया कि पाइप और कहाँ बेचे हैं, एक अतुल जैन है जो बर्तन के व्यापारी हैं उनके यहाँ बेचे थे, तो जितना भी पाइप चोरी हुआ है वो सभी पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों व्यक्तियों को न्यायालय भेजा गया है, क्योंकि एक नाबालिग बाल न्यायालय भेजा गया है, बाकी एक अन्य व्यक्ति को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। लगभग कितने रुपए की लागत के होंगे, मतलब लगभग 40,000 रुपये की पाइप थी। अच्छा, और भी कोई चोरी बतलाया उसने कभी पूर्व में कि पहली बार किया, ऐसा कुछ होगा? इसके द्वारा ऐसा नहीं बताया गया कि पूर्व में कोई चोरी की गई है, परंतु ये पुराना चोर है, पहले भी एक दो मामले में गिरफ्तार हुआ है दिन्नू वंश का, क्योंकि नाबालिग है उसका फायदा उठाकर ये लगातार मौका पाते हुए वारदात कर देता है, उस पर नजर रखी जा रही है। जिसने चोरी का सामान खरीदा उसको भी आरोपी बनाया है? हाँ, तो निश्चित रूप से उसको आरोपी बनाया गया है। अपराध धारा 411 का मामला उस पर बना और न्यायालय पेश किया।